लेक सैफुल मुलूक में है नारान में और इंतहाई ये खूबसूरत हमारे बहुत से अफसानों के अंदर इसका जिक्र है, कहानियों में जिक्र है और लोगों का दिल चाहता है कि इतनी खूबसूरत जगह पे आएं। और यहाँ पे जब आते हैं तो ये जो आने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस जगह को, उसकी खूबसूरती को कायम रखें। यहाँ पे काफ़ी कचरा लोगों के आने की वजह से जमा हो गया था तो हमने एक सिंबॉलिकली उसकी क्लीनिंग ड्राइव की है और जो भी आके हमसे पूछता रहा है हम उन्हें बताते रहे हैं कि क्या मकसद है, सफाई क्यों ज़रूरी है ऐसी जगहों की, कुदरती नज़ारों की, ख़ास तौर पे जहाँ पे लोग आते हैं उनको एंजॉय करने के लिए। वो गंदगी देख के उनका दिल बुरा होता है। जो ग्रुप है जिसके साथ हम आए हुए हैं ये मुख्तलिफ आर्टिस्ट का ग्रुप है, इसमें कलरिस्ट भी हैं, इसमें पेंटर्स हैं, इसमें जो स्केच करते हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं जो कि कुदरत को अपनी नज़र से देखते हैं। और हम उस यहाँ आने का एक मकसद ये था कि एक तो वो कुदरत को देखें और कुदरत के साथ जो इंसान कर रहा है उसको देखें, उसका असरात को और लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और क्रिएटिव लोग होते हैं। We are trying to actually set an example for people कि वो यहाँ पे आते हैं and they bring a lot of food and plastic stuff, वो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। So we are just trying to motivate people to take the garbage with them when they go back. थैले हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये 90 दिन के अंदर ये एनवायरनमेंट में तहलील हो जाएगा। और आप लोग भी कोशिश करेंगे जब आप अपने घर के लिए कचरे के थैले लेकर आते हैं तो अब मांग के आप बायोडिग्रेडेबल थैले लें। लोग हमें देख के पूछने आते हैं आप क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं आप, तो फिर मोटिवेट भी होते हैं, कुछ उनके बच्चे मिलके हमारे साथ उठाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। हमने एक स्लोगन बना दिया है, हमारा पाकिस्तान साफ पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान। तो आप में से जो कोई भी ये चीज़ें देख रहा है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस एक ओनरशिप की ज़रूरत है कि हमारी अपनी जगह है, हम उसे साफ रखें। तो आप भी इस बात को फैलाइए।